विधान परिषद के चुनाव हुए उसके माध्यम से बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया है, समझ गई है कि कौन ढोंगी है, कौन झूठ है, कौन फरेब करते हैं और कौन सच्चाई का राह चुनते हैं। जगह हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पास होंगे, सबसे माफी मांगेंगे। क्या देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ, ये वायरल हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है साथियों। बिहार के प्रदेश कार्यालय में सभा में आए सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, पार्षदगण और बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बहुत ही उल्लास का दिन है, आज हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती यहाँ मना रहे हैं। जयंती मनाते समय उनके विचारधाराओं को हम लोग याद करते हैं। हमारे बड़े पापा, हमारे गार्जियन, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री रामदास पासवान जी, उनको सेकेंड अम्बेडकर जी बोला जाता है। उन्होंने अम्बेडकर जी के कार्य को आगे बढ़ाया, उनके विचारधारा पे वो चले, उसी विचारधारा पर हम लोग आगे चलने का काम कर रहे हैं। आज आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें पूरे देश में जिस तरीके से दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का भी जो हाल है वो इतना अच्छा नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संकल्प लेती है, तब तक दलितों, वंचित, गरीबों की लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक ये इसकी समानता इस देश में नहीं बनती है, तब तक हम लोग उनकी आवाज सुनते रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, ये बहुत ही सोचने वाली विषय है। खैर, बिहार की जनता बहुत समझदार है। अभी जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए उसके माध्यम से बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया है, समझ गई है कि कौन ढोंगी है, कौन झूठ है, कौन फरेब करते हैं और कौन सच्चाई का राह चुनते हैं। तो बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया हमारे यहाँ, हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित भूषण जी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक जीत इन्होंने बरामद की। बहुत दो अटकल लगा रहे थे, काफ़ी आपने एक प्रोपेगेंडा देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ, ये वायरल हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है साथियों। उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने बताया है विरोधियों को कि कौन दलितों की बात करता है, कौन पिछड़ों की बात करता है, कौन हमारी बात करता है, कौन देश को आगे बढ़ाने की काम करता है। तो हमें अपने नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी पे पूरा विश्वास है, हमारे एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता, जो गरीब, पिछड़ी, दलित जो है उनको आगे बढ़ाने का, उनको हिम्मत देने का हम लोग काम करेंगे। आज मैं सभा में आए सभी अपने नेतागण, अपने साथियों, अपने पदाधिकारियों, अपने जिला के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी बिहार के तमाम विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह कार्यक्रम को सफल बनाया और आपको हम पुनः, आप प्रेस मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथी यहाँ पर आए, आप सभी को हम धन्यवाद देंगे कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए। आपको देख के लग रहा है तो 200-300 तो आप ही मीडिया साथी यहाँ उपस्थित हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल था, प्लीज, एक सवाल है, कहा कि हम चाचा को इज्जत करते हैं, उनकी पैर छूते हैं, लेकिन विचारों में हमेशा हमारा ये रहेगा। देखिए, व्यक्ति बलवान, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, ये बात आप समझिए, ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये समाज की बात है। जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। यहाँ पर मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, आप कार्य करिए, आप किस बात का मतभेद रख रहे हैं, ये बिहार की जनता समझ चुकी है। आप किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, मतभेद रखते हैं, आप यहाँ पे पांव छूते हैं, आपको भी ये पता चल चुका है। देखिएगा, हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पांव छूएंगे, सबसे माफी मांगेंगे।